हेलो दोस्तों, ब्लेंडर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रू मॉडिफायर के बारे में, ठीक है। तो स्क्रू मॉडिफायर बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डिफॉल्ट मैश है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो डिफॉल्ट मैश है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करिए और उसके बाद ये देखिए डिलीट ऑप्शन दिया हुआ नहीं, इसमें आप एक बार क्लिक करिए, देखिए ये हट जाएगा। और मैं सर्कल लाना चाहता हूँ, सर्कल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और ए प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और मैश में जाइएगा और यहाँ पे एक सर्कल आएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग करने के लिए आप कीबोर्ड से एस प्रेस करिएगा और उसके बाद में इस प्रकार से आप माउस को उसकी तरफ लेके जाइएगा, देखिए ये छोटा हो जाएगा, जितना लेके जाएंगे उतना छोटा होगा, जितना अपनी तरफ टानेंगे उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको इतना रखता हूँ और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा से मूव करूँगा इधर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट करने के लिए कीबोर्ड से आप आर प्रेस करिएगा और मैं एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं एक्स प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं 90 प्रेस करूँगा इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी इसका जो 3D कर्सर है इसको मैं यहाँ बीच में लाना चाहता हूँ, सेंटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सेंटर में लाने के लिए क्या करूँगा, इसको कंट्रोल और ए प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और एक लोकेशन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप क्लिक करिएगा, देखिए कर्सर जो है आपका 3D कर्सर वो आपका सेंटर में आ जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ स्क्रू मॉडिफायर। तो स्क्रू मॉडिफायर के लिए हम लोगों को जाना होगा कहाँ पे, हम लोगों को जाना होगा, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ एक सिंबल दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। ये स्क्रू मॉडिफायर, ये मॉडिफायर है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर आएगा और उसके बाद में हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा स्क्रू, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। क्लिक करने से कुछ हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में चेंज करिए, देखिए इस प्रकार से शेप आएगा। वाई एक्सिस में अगर हम लोग क्रिएट क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से एक बार हटा देता हूँ, देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने रोटेट किया था एक बार मैं इसको फिर से रोटेट करूँगा, मैं यहाँ पे आर प्रेस करूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको आर प्रेस करता हूँ और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपका आर प्रेस करने के बाद अब मैं इसको वाई एक्सिस में करूँगा और उसके बाद मैं फिर 90 प्रेस करूँगा, ठीक है। एक काम करते कंट्रोल जेड करते पूरा पीछे जाते, देखिए ऐसे था ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं आर प्रेस करूँगा और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे एक मिनट और एक काम करना था मुझको, रुकिए ये जो कर्सर यहाँ पे मैं इसको बीच में लेके आ जाता हूँ। उसके लिए आप एक काम करिएगा, ऑब्जेक्ट में जाइएगा और स्नैप में जाइएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा कर्सर टू सेंटर ऑप्शन, इसमें क्लिक करिएगा आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं रोटेट करूँगा, आर दबा रहा हूँ, आर दबाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वाई एक्सिस पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं वाई दबाऊँगा और उसके बाद फिर मैं 90 करूँगा, तो ये रोटेट हो गया है मेरा। अब फिर से देखिए हम लोग वही काम करने वाले हैं जैसे पहले किए थे, वही काम करेंगे, हम लोग ऐड मॉडिफायर में जाएंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्क्रू लेंगे। स्क्रू लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका एक्सिस भी चेंज करूँगा, यहाँ जेड है इसको मैं एक्स कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे वाई करता हूँ। अच्छा फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड मॉडिफायर में जाएंगे बट उससे पहले क्या करना है, हम लोग को ये जो 3D कर्सर है उसको आपको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करिएगा और लोकेशन में क्लिक करिएगा, ये सेंटर में आ गया, बात समझे। जैसे कि इससे पहले क्या था, कर्सर हमारा 3D कर्सर यहाँ था ना, इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और फिर लोकेशन में क्लिक करेंगे, ये आपका 3D कर्सर सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद में आप जाइएगा स्क्रू मॉडिफायर में और देखिए इस प्रकार से शेप बन रहा है, ये जेड एक्सिस में, इसको मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ, देखिए इस प्रकार से। अब ये हो क्या रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं वायर फ्रेम मोड में ले जाता हूँ, देखिए वायर फ्रेम यहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट मोड लिखा रहेगा, उसके बगल में देखिए एक सर्कल एक बना हुआ है, इस पर आप जाइएगा और यहाँ पर वायर फ्रेम लिखा होगा, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने से देखिए जो एक सर्कल था हमारा
ये सर्कल जो है देखिए ये बढ़ते जा रहा है और ये राउंड हो जा रहा है, और कहाँ पे राउंड हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में राउंड हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और ये सारा चीज में मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्टेप है, अगर स्टेप को आप बढ़ाएंगे तो देखिए आपका सर्कल नंबर ऑफ सर्कल जो है बढ़ेगा, स्टेप को घटाएंगे तो नंबर ऑफ सर्कल देखिए अभी 3 हो गया, ठीक है ना, कम से कम 3 तो चाहिए ना इसको राउंड होने के लिए, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए बढ़ाते जाइए 6 7 8, देखिए आपका जो सर्कल था वो आपका बढ़ते जा रहा है स्पेस, ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा ये वाला चीज। एंगल, एंगल से क्या होगा, देखिए इन सर्कलों के बीच में जो डिफरेंस है देखिए वो आपस में और आगे आते जा रहा है, ठीक है, ये काम होता है आपका एंगल से, ठीक है। और स्क्रू का काम मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं इसको फिर से सॉलिड व्यू में ले आता हूँ। सॉलिड में लेके आ गए हम लोग, और एंगल थोड़ा से हम लोग फिर से पीछे लेके चल जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए स्टेप में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, स्टेप जितना बढ़ाएंगे देखिए उतना आपका यहाँ पे देखिए स्मूथ आ गया, इस प्रकार से स्मूथ हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्क्रू, इसका काम क्या होता है देखिए, स्क्रू को जैसे आप करेंगे ना देखिए ऊपर नीचे आप ले जा सकते हैं ऐसे, और उसके बाद में आप ये एंगल क्या करेगा, इसको और आगे लेके जाएगा, देखिए इस प्रकार से। इसको मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, देखिए देखिए इस प्रकार से, देखिए जितना आप एंगल बढ़ाते जाएंगे ये होते जाएगा, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इस प्रकार से आप शेप बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो इरिटेशन है इसका काम क्या होता है, मतलब अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 है ना, ये इसका डबल हो जाएगा, फिर और करेंगे तो ये उसका डबल हो जाएगा, मतलब फिर एक एक तो आप बढ़ते जाएगा स्टेप आपका, ये देखिए लूप हो रहा है समझ लीजिए, ठीक है ना, आपका ये एक है इसको करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, फिर 2 और ऐड हो जाएगा, फिर 2 और ऐड हो जाएगा, इस प्रकार से आपका बनते जाएगा। स्क्रू से आप इसको ऊपर नीचे मतलब इसके बीच में लेंथ दे सकते हैं, इस प्रकार से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग स्क्रू मॉडिफायर से। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं जाता हूँ न्यू में, और उसके बाद मैं न्यू में क्लिक करूंगा, मतलब फाइल में जाता हूँ न्यू में जाऊंगा, और उसके बाद रीलोड सेटअप फाइल में आप क्लिक करिएगा, ठीक है, नया आ गया। अब फिर से मैं ये जो डिफॉल्ट मैस है हमारा क्यू, इसको मैं हटा दूंगा, और फिर डिलीट पर क्लिक करूंगा, मतलब हटाने के लिए एक्स दबा के आप डिलीट में क्लिक करिएगा। और अभी मैं क्या लेने वाला हूँ, शिफ्ट ए से मैं एक कर्व लूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए पाथ लिखा हुआ था, मैं ये पाथ में क्लिक करूंगा, एक कर्व एक आ गया, ठीक है ना, ये एक कर्व आया है, और इस कर्व को अब मैं क्या करूंगा, इस कर्व को मैं थोड़ा रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है, आर दबाऊंगा मैं, और इसको मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट करूंगा, अगर देखता हूँ एक्स एक्सिस पे अगर हम रोटेट करते हैं 90 तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार रोटेट दबाता हूँ, और मैं वाई एक्सिस पे इसको रोटेट करता हूँ 90, हाँ अब ठीक है, ये आपका सीधा हो गया है। अब मैं जाऊँगा एडिट मोड में, पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा से ऊपर ले जाता हूँ यहाँ, ठीक है, और थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, एडिट मोड में, और एडिट मोड में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब देखिए जैसे कि ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और इसको मैं यहाँ सेंटर में लेके आ जा रहा हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका सेंटर में मैं लेके आ गया, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिया हुआ रहता है, आप उसी प्रकार से जैसा शेप चाहिए आपको आप उस प्रकार से लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको दूर कर रहा हूँ, ऐसे करिए जैसा करना आपका इच्छा करिए। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट मोड में वापस आता हूँ, और फिर से मैं इसके ऊपर में वही मॉडिफायर स्क्रू मॉडिफायर ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं जाऊँगा ऐड में, और देन ऐड में जाने के बाद मैं यहाँ से लूँगा स्क्रू मॉडिफायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक शेप आ रहा है, अब ये जेड में था, मैं इसको एक्स में कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे एक शेप तैयार हो रहा है, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेटर ऑर्डर जो है इसमें कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमारा एक शेप तैयार हो गया है। अब फिर से आप एडिट में जाके इसको जैसा शेप चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ेगा, घटाऊँगा तो घटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो ये ऐसे शेप बनेगा,
मैं इसको थोड़ा से नीचे करना चाहता हूँ तो ये नीचे जाएगा, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। फिर और भी मॉडिफायर यूज़ करके आप इसका थिकनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। और अभी ये क्या है, ये कर्व था, इसको हम लोग फिर से मेश में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अल्ट सी दबाइएगा। आप एक मिनट, इसको हम लोग कंट्रोल जेड में दबाता हूँ ऐसे, ठीक है। और मैं फिर से इसको लेके जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और फिर मैं अल्ट और सी दबाऊंगा और यहाँ पे मेश फ्रॉम कर्व मेटा सरफेस लिखा हुआ रहेगा, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब ये एक मैश बन चुका है, पहले ये कर्व था, अब क्या बन चुका है, मैश। आप एडिट मोड में जाइए, देखिए ये आपका इस प्रकार से एक मैश बन चुका है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।